हेलो फ्रेंड, नमस्कार, वेलकम टू टेक्निकल। जैसे हम तो आज निकल गए भाई, फ्राइडे की रात को निकल गए हैं और 12:30 बजे करीब डिवाइस ऑनलाइन किया तो चेंबूर फाटक से मुझे यहाँ क्लब के पास से एक मैकडॉनल्ड्स के पास से एक बुकिंग लगा था। एक मैडम जी ने बुक किया था बोरीवली का, पिक कर लिया मैंने। मैडम की पिक क्या है बनना? हाँ, बोरीवली जाना ना आपको? नहीं नहीं, बोरीवली नहीं, कोपर करने जाना है मुझे। अच्छा भाई, तो ट्रिप वहाँ पे एंड किया उन्होंने, 128 रुपया ट्रिप हुआ। चला कितना? 0.2 किलोमीटर, यानी गाड़ी को बस मूव किया मैंने 100-200 मीटर और वहाँ पे ट्रिप एंड किया। 128 रुपये का बिल गिर गया मैडम का, जिसमें से 88 मुझे मिला, बाकी सब ओला ने रख लिया। तो वहाँ से कोपर खैरने में डील हुआ 300 और प्लस 400 टोटल में कोपर खैरने का डील हुआ। तक तो भाई साहब के फ्रेंड्स आ गए, बोले यार अभी कहाँ से चले गए आप? तो उनको बुला लिया, बोले चलो हम लोग अभी थोड़ा बाद में जाएंगे। तो आ गए उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड फ्रेंड जो भी थे भाई, लेके गए उनको। नहीं, जहाँ भी बाद में प्लान करेंगे, जाएंगे थोड़े टाइम बाद। तो जो फेयर उन्होंने दिया, उन्होंने 200 रुपया दिया मुझे। तो 0.2 किलोमीटर गाड़ी चलाया 200 मीटर गाड़ी चलाया और 200 रुपया मिल गया यहाँ पे। तो 200 रुपया इन्होंने दिया, यानी टोटल मुझे जो फायदा हुआ यहाँ पे 188 रुपीस का हुआ है। 200 दिया है ना, 88 तो ओला ने ऑलरेडी दिया है मुझे, 128 फेयर हो रहा था और 8 इसमें मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला, 72 रुपीस। तो 72 रुपीस यहाँ पे मुझे मिला एक्स्ट्रा और 88 मुझे ओला ने दिया। तो इस तरह से 160 रुपया मुझे मिल गया, पूरा टोटल 160 रुपया मिल गया है मुझे यहाँ पे। 200 मीटर गाड़ी चलाया, 160 मिल गया और अभी भी मैं यहीं पे खड़ा हूँ, अमर महल में खड़ा हूँ और देखता हूँ यहाँ से बुकिंग वगैरह आता है कि नहीं। यार वेट करता हूँ थोड़ा बुकिंग का। हेलो फ्रेंड, तो फ्रेंड मैं आ गया हूँ मीरा भाईंदर, मीरा रोड आ गया हूँ मैं। तो आज चेंबूर फाटक से ही मुझे एक वहीं से उसी क्लब से एक बुकिंग लग गई थी, डोंबिवली का वन स्टॉप से, एक खोनी पलावा फिर वहाँ से डोंबिवली वेस्ट। टोटल राइड थी 45 किलोमीटर और जो पैसा मिला है 508 रुपया मिला है और 40 रुपया टोल मिला है। पैसेंजर को डोंबिवली ड्रॉप कर दिया मैंने, 550 रुपये टोटल मुझे मिल गए हैं। और उसके बाद करीब 2 घंटे तक डोंबिवली सोया, बुकिंग नहीं आई। 2 घंटे बाद डोंबिवली से मुझे जो बुकिंग आया कोपर खैरने का आया है, कोपर खैरने का 2 घंटे के बाद जो बुकिंग आया है 19 किलोमीटर का ओला का 211। ओला बहुत ही कम पैसा दे रहे हो, वो 211 रुपया ओला भाई ने दिया। तो पैसेंजर को ड्रॉप किया कोपर खैरने, कोपर खैरने से फिर मुझे बुकिंग लग गई। तो कोपर खैरने से जो बुकिंग लगा मुझे फिर मीरा रोड का लगा है, जो अभी ड्रॉप किया पहले। तो मीरा रोड वाले का अच्छा पैसा मिला है, 40 किलोमीटर का 508 रुपया मिला है, 40 किलोमीटर का 508 और 6:15 बज गए हैं और पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया है। और जो टोटल अर्निंग है अपनी 1357 और प्लस 1500 का काम हो गया है, 1500 का काम अपना हो चुका है लगभग। और खड़ा हूँ मीरा रोड में और देखता हूँ यहाँ से बुकिंग मिलता है कि नहीं। और 6:15 बज गए हैं, तो एक अच्छी बुकिंग यहाँ से एयरपोर्ट वगैरह का मिल जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा, वेट करते हैं और देखते हैं बुकिंग कब तक लगता है। कल तो मीरा भाईंदर 4 घंटा सोया था, आज कितना सोता हूँ देखता हूँ। डोंबिवली तो 2 घंटा सो के आ ही रहा हूँ, देखते हैं यहाँ से और थोड़ा मूवमेंट करते हैं, थोड़ा इधर उधर जाते हैं और बुकिंग जहाँ से वहाँ चलते हैं। तो फ्रेंड फाइनली अपने को मीरा रोड से बुकिंग मिल गया था, अच्छी बुकिंग मिली थी मीरा रोड से। जो बुकिंग मिला था मुझे चेंबूर का मिला था, छेड़ा नगर का मिला था। तो छेड़ा नगर जो टोटल था 40 किलोमीटर था, 1 घंटा 6 मिनट लगा है और 460 रुपया दिया है उबर भाई ने, ओला भाई ने टोल के साथ 460 रुपया दिया है, 10 रुपये के हिसाब से फेयर मिला है। तो इस तरह से चौथा बुकिंग कंप्लीट होने के बाद चेंबूर से मुझे एक बुकिंग कोपर खैरने का लग गया रमाबाई नगर से। तो कोपर खैरने 13 किलोमीटर था, 166 रुपीस उसका मिला है और 40 रुपया टोल मिला है, 206 रुपया मिला है। कोपर खैरने ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद सानपाड़ा से मुझे एक बुकिंग अभी लग गया है महालक्ष्मी रेस कोर्स का, महालक्ष्मी रेस कोर्स पीछे है, मैंने ड्रॉप कर दिया को। आप लोग देख सकते कौन सा है, पहचान लोगे यार। तो महालक्ष्मी रेस कोर्स का जो मुझे मिला है कोपर खैरने से 32 किलोमीटर का 360 रुपया प्लस 40 रुपया टोल, 360 रुपया मिल गया है और बूम बाम हो चुका है।
जो टोटल अर्निंग है 25 का हो चुका है, तुम्हारे भाई ने बूम बाम कर दिया है, और महालक्ष्मी में हूँ और चलता हूँ घर की तरफ, निकलता हूँ, बहुत थक गया हूँ आज। और घर की तरफ निकलते धीरे धीरे मूव करके बुकिंग आ गया तो ले लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, सीधा घर पे टोमडाम। यहाँ से घर 22 किलोमीटर है भाई, तो 22 किलोमीटर एमटी जाना पड़ेगा, कोई बुकिंग यहाँ से तो बुकिंग की उम्मीद कम है, बैठ के कुछ मतलब नहीं है, तो घर की तरफ मूव करते हैं, कहीं बीच से कोई बुकिंग लग गया तो ले लेंगे और चुपचाप चले जाएंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद आपको और भी अपडेट देता हूँ आपको, और स्क्रीनशॉट वगैरह डाल दूंगा। तो जब तक मैं आपको अपडेट वगैरह देता हूँ आगे का, तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटा हिला दो, कृपा आने लगेगी। तो फाइनली फ्रेंड, बुकिंग तो महालक्ष्मी से आ रहे थे यार, बहुत अच्छे अच्छे बुकिंग आ रहे थे, अंधेरी ईश वगैरह का भी बुकिंग आ रहा था, अच्छा खासा इनकम हो जाता आज। लेकिन यार मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पाचन क्रिया में विघ्न पड़ गया है और मेरा पेट कुछ गड़बड़ लग रहा है, और मैं फ्रीवे मार के 22 किलोमीटर खाली गाड़ी लेके आ रहा हूँ, पता है आपको, और 20 किलोमीटर अंधेरी ईस्ट का वहाँ से बुकिंग छोड़ दिया, लेकिन 22 किलोमीटर खाली वहाँ से भाग आया, मेरा पेट बहुत गड़बड़ लग रहा है। तो इस तरह से भाई आज समझ लो 500 का काम छोड़ दिया मैं एक तरह से। तो चलिए फ्रेंड, होता है, स्वास्थ्य बढ़िया रहे तो सब बढ़िया हो जाएगा, पता नहीं क्यों अचानक से पेट गड़बड़ हो गया यार। आज मच्छर बहुत काट रहे थे डोंबिवली में भाई, पता नहीं, वो सोया था मैं गाड़ी के अंदर डोंबिवली में, तो एक पैसेंजर ने हल्का खिड़की खोला हुआ था, ध्यान भी नहीं दिया यार, लाइट दो उंगली का खिड़की खुला हुआ था और मच्छर सब घुस गए। मैंने गाड़ी जहाँ पार्क किया डोंबिवली में, साला नाला था वहाँ बड़ा वाला अनंतम के सामने वाले रोड पर, कोई बात नहीं, मच्छरों ने काटा है, अब 3-4 दिन बाद असर दिखेगा इसका भाई, कि कुछ होता है या मेरा बॉडी इसको बर्दाश्त कर लेता है। खतरनाक थे और मैं फ्री में पकड़ लिया हूँ और पकड़ के घर पे जा रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद 2500 का काम हुआ है, अच्छा काम, और अच्छा काम हो सकता था, 3000 तो हो ही सकता था, लेकिन बता रहा हूँ मैं भाई, एकदम पेट गड़बड़ हो चुका है और मैं पकड़ के रखा हूँ, होल्ड करके रखा हूँ अपने दर्द को, और जल्द से जल्द घर पहुँचता हूँ, और उसके बाद नींद भी बहुत आ रही है, जबकि भी बहुत आ रही है। तो चलिए, जनता लाल को काला बनता, आप लोग जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अपन ओला उबर की रोज आपको जानकारी देते हैं, बुकिंग्स है कि बुकिंग्स नहीं है, और इन ड्राइव तो आज मैंने चलाया नहीं, ऊबर का एक भी बुकिंग किया नहीं मैंने, जो भी है सब ओला में काम हुआ है, और ओला का ही छोला आज बटा है भाई, भटूरे तो बटे नहीं है, खाली ओला का छोला खा लिया है, तो ऐसे ही लगा रहता है अपना छोला भटूरा जो भी है सब। आप लोग की मेहरबानी है, आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करो या ना करो भाई, पर लाइक और डिसलाइक मत करो यार, लाइक करके जाया करो, कोई बात नहीं। क्या बात, और कुछ बताने के लिए तो आज है नहीं, डेली सब कुछ तो आप लोग को बता चुका हूँ, आज कुछ नया ऐसा है नहीं कि जो मैं बताऊँ आप लोग को, बस यही अर्निंग अच्छी हो गई, और शनिवार की सुबह है, ट्रैफिक वगैरह है नहीं कुछ खास, और पेट में गड़बड़ नहीं हुआ था तो और अच्छी कर लेता था अर्निंग, लेकिन हो जाता है भाई कभी कभी। तो चलिए जनता जनार्दन, अब बस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, ये फ्रीवे है जहाँ से रोज मैं निकलता हूँ, और आज भी निकल रहा हूँ फ्रीवे से फ्री ही निकलता हूँ मैं भाई, एकदम ओला उबर दोनों ने मुझे फ्रीवे पर फ्री कर दिया है कि भाई तुम फ्री में जाओ। चलो फ्रेंड्स, बाय बाय।